मित्रों, क्या आपने कभी उस मामले के बारे में सोचा है जिसने भारत की आरक्षण नीतियों को नया रूप दिया? आज हम इंदिरा साहनी मामले की पड़ताल कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक मामले, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गलियारों में लड़ी गई एक कानूनी लड़ाई ने राष्ट्र की चेतना को उत्तेजित किया और भारत की आरक्षण नीतियों के पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। मैं डॉक्टर M.N. सुरभ से माननीय श्री अन्ना साहेब डांगे कॉलेज हाथकनंगले और इस वीडियो में हम इंदिरा साहनी मामले और भारत की आरक्षण नीतियों पर इसके प्रभाव का पता लगाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट के साथ अपने रिव्यू व्यक्त करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। दोस्तों, इस मामले को भारत संघ के खिलाफ सामाजिक न्याय की एक उग्र वकील इंदिरा साहनी द्वारा आगे लाया गया था। इस मामले के केंद्र में मुख्य सवाल मंडल आयोग की सिफारिशों की संवैधानिकता का था। आयोग ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्गों या OBC के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव दिया था, एक ऐसा कदम जिसने व्यापक बहस को जन्म दिया। इस मामले ने कानूनी कार्यवाही की एक श्रृंखला तैयार की जो अंततः सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक फैसले का कारण बनेगी। भारत की आरक्षण नीतियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए बने रहें। भारत में आरक्षण नीतियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में आरक्षण नीतियों का एक गहरा ऐतिहासिक संदर्भ है। इंदिरा साहनी मामले की पृष्ठभूमि को समझने के लिए भारत में आरक्षण नीतियों की जड़ों को समझना आवश्यक है। आजादी के बाद भारतीय संविधान निर्माताओं को जाति और वर्ग के आधार पर गहराई से विभाजित खंडित समाज को एकजुट करने के चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ा। इन असमानताओं को दूर करने के लिए उन्होंने आरक्षण की अवधारणा पेश की। इसे हाशिए के समूहों, मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों या SC और अनुसूचित जनजातियों या ST के उत्थान के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में देखा गया था। इन समूहों को ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित किया गया था और संसाधनों और अवसरों तक पहुंच से वंचित किया गया था। आरक्षण के माध्यम से उन्हें शैक्षिकी संस्थानों और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया, इस प्रकार खेल के मैदान को समतल किया गया। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, ये स्पष्ट हो गया कि सामाजिक असमानता SC और ST तक ही सीमित नहीं थी। समाज का एक और वर्ग भी पिछड़ रहा था, अन्य पिछड़ा वर्ग या OBC। 1969 में स्थापित मंडल आयोग ने इस समूह की पहचान सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित के रूप में की। आयोग ने ये भी सिफारिश की कि OBC को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण प्रदान किया जाए। हालांकि इस सिफारिश को 90 के दशक की शुरुआत तक लागू नहीं किया गया था, जिससे देश भर में व्यापक विरोध और गर्म बहस हुई। इसी माहौल में इंदिरा साहनी का मामला सामने आया था। याचिकाकर्ताओं ने OBC के लिए इन आरक्षणों की वैधता को चुनौती दी, इस मुद्दे को कानूनी क्षेत्र में धकेल दिया और अंततः सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। इसलिए आरक्षण नीतियां भारत के लिए अपने जटिल सामाजिक ताने बाने से जूझने, समानता और न्याय के लिए प्रयास करने का एक संतुलनकारी कार्य रही है। वे ऐतिहासिक अन्याय और गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक असमानताओं को दूर करने का एक प्रयास रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के मामले की कानूनी कार्यवाही की जांच करते हैं। कानूनी कार्यवाही। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट की यात्रा दमदार दलीलों और कानूनी लड़ाइयों से भरी रही। जैसा कि हम इस ऐतिहासिक मामले के विवरण में उतरते हैं, आइए याद रखें कि हर कानूनी कार्यवाही का सार दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क है। सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण सहित आरक्षण नीति एक आवश्यक सुधारात्मक उपाय थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में हाशिए के समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। याचिका में कहा गया है, दूसरी ओर इंदिरा साहनी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने आरक्षण नीति की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि नीति भेदभावपूर्ण थी और उन नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती थी जो आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते थे। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि नीति से शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में मानकों में गिरावट आ सकती है। मामले में गहन सुनवाई की एक श्रृंखला देखी गई, जिसमें अदालत कक्ष में वाक्पटु भाषण, उत्कट बहस और शक्तिशाली खंडन देखे गए। कानूनी लड़ाई ने आरक्षण नीति की जटिलताओं और बारीकियों को उजागर किया, सकारात्मक कार्रवाई और समान अवसर के बीच संघर्ष को सामने लाया। मामले का एक दिलचस्प पहलू डेटा और आंकड़ों का उपयोग था।
दोनों पक्षों ने अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए डेटा प्रस्तुत किया, जिससे यह मामला न केवल कानूनी सिद्धांतों की लड़ाई बन गया बल्कि संख्याओं और तथ्यों की भी लड़ाई बन गई। इसने कार्यवाही में जटिलता की एक परत जोड़ दी, क्योंकि अदालत को प्रस्तुत आंकड़ों की वैधता और प्रासंगिकता को तौलना पड़ा। उन्होंने कहा, कानूनी कार्यवाही ने आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय समाज के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण को भी प्रकाश में लाया। यह मामला सामाजिक न्याय, समानता और ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करने में राज्य की भूमिका पर एक बड़ी बहस के लिए एक मंच बन गया। उन्होंने कहा, कानूनी कार्यवाही समाप्त होने के साथ ही देश सांस रोककर उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहा था। फैसले के दूरगामी प्रभाव होने की उम्मीद थी, न केवल याचिकाकर्ताओं और सरकार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था, चलो पता लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसका असर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत की आरक्षण नीतियों के इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला था। इंदिरा साहनी मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक लंबे आदेश का सामना करना पड़ा, भारत के विविध समाज की जटिलताओं को संतुलित करते हुए समानता और सामाजिक न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखना। अदालत ने इस जटिल भूल भुलैया को एक ऐसे फैसले के साथ नेविगेट किया जो भारत की आरक्षण नीतियों को नया रूप देगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मंडल आयोग की सिफारिश को मान्य कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से परे आरक्षण के दायरे का विस्तार किया गया था, ताकि हाशिए के समुदायों के व्यापक स्पेक्ट्रम को शामिल किया जा सके। फैसले में एक महत्वपूर्ण बिंदु क्रीमी लेयर अवधारणा की शुरुआत थी। अदालत ने जोर देकर कहा कि आरक्षण का लाभ ओबीसी के भीतर उन्नत वर्गों द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए, जिसे क्रीमी लेयर के रूप में जाना जाता है। ये सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम था कि आरक्षण नीतियों का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचे। फैसले में सकारात्मक कार्रवाई और मेरिटोक्रेसी के सिद्धांत के बीच संतुलन बनाए रखते हुए कुल आरक्षण कोटा को 50% तक सीमित कर दिया गया। इसका उद्देश्य आरक्षण के पक्ष में किसी भी असंगत झुकाव को रोकना था, जो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर से समझौता कर सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, ये परिवर्तन का उत्प्रेरक था जो शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीतियों को प्रभावित करता था। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जो शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक बढ़ती पहुंच के साथ हाशिए के समुदायों को सशक्त बनाता था। यह ऐतिहासिक निर्णय भारत की आरक्षण नीतियों की विकसित प्रकृति का प्रमाण था। इसने इन नीतियों को बदलती सामाजिक गतिशीलता के अनुकूल बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य को पूरा करना जारी रखें। हालांकि इस फैसले ने विवादों और बहसों को जन्म दिया, चलो उनका पता लगाते हैं। विवाद, वाद विवाद और सामाजिक प्रभाव। इंदिरा साहनी मामला विवादों और बहसों के अपने हिस्से के बिना नहीं था। दरअसल किसी भी परिवर्तनकारी कानूनी निर्णय के साथ इस मामले ने विचारों के एक स्पेक्ट्रम का आह्वान किया और गहन बहस को जन्म दिया। देश भर के कानूनी विशेषज्ञों, विद्वानों और कार्यकर्ताओं ने फैसले का विश्लेषण किया, प्रत्येक ने इसके प्रभावों पर अद्वितीय दृष्टिकोण का योगदान दिया। कई लोगों ने फैसले को सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सराहा, अवसर के तराजू को संतुलित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता की पुष्टि की। उन्होंने तर्क दिया कि शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट का समर्थन हाशिए के समुदायों के उत्थान के लिए एक आवश्यक उपाय था। दूसरी ओर फैसले के आलोचकों ने आरक्षण प्रणाली के दुरुपयोग की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की। डर यह था कि नीति अनारक्षित श्रेणियों से आर्थिक रूप से वंचित लोगों की अनदेखी कर सकती है। उनका तर्क था कि आरक्षण जाति के बजाय आर्थिक मानदंडों पर आधारित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अदालत द्वारा पेश की गई क्रीमी लेयर अवधारणा के बारे में चिंताएं थीं। इस अवधारणा का उद्देश्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक रूप से उन्नत सदस्यों को आरक्षण के लाभों से बाहर रखना था। आलोचकों ने क्रीमी लेयर की पहचान करने और बाहर करने की व्यवहारिकता पर सवाल उठाया और भ्रष्टाचार और हेरफेर की संभावना के बारे में चिंतित थे। हालांकि इन विवादों और बहसों ने भारत की सामाजिक और शैक्षिकी नीतियों को आकार देने में इंदिरा साहनी मामले के दीर्घकालिक महत्व को कम नहीं किया।
फैसले ने सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने में सकारात्मक कार्रवाई की भूमिका पर एक साहसिक बयान दिया। इसने सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसके अलावा इस फैसले ने भारत में आरक्षण नीतियों पर विमर्श को फिर से परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और समानता पर एक व्यापक बातचीत को उकसाया, इन मुद्दों को राष्ट्रीय चेतना में सबसे आगे लाया। अंत में, जबकि इंदिरा साहनी मामले ने विवादों और बहसों को जन्म दिया, इसने भारत में सामाजिक न्याय और समानता पर एक महत्वपूर्ण संवाद को भी उत्प्रेरित किया। इसने सूक्ष्म और समावेशी नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित किया जो भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य की जटिल वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हैं। उन्होंने कहा, चुनौतियों के बावजूद प्रगति हुई है। चलो चर्चा करते हैं प्रगति, सार्वजनिक प्रतिक्रिया और निष्कर्ष। इंदिरा साहनी फैसले के बाद आरक्षण नीतियों को लागू करने से चुनौतियां सामने आईं, लेकिन प्रगति हुई। वास्तव में यात्रा आसान नहीं थी, कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा, कुछ वर्गों से प्रतिक्रिया हुई और यहाँ तक कि कानूनी संघर्ष भी हुए, लेकिन राष्ट्र का धैर्य अटल था। दृढ़ प्रयासों से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का सफल कार्यान्वयन हुआ। इस ऐतिहासिक फैसले की गूंज पूरे देश में गूंजी, जिससे सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं और जागरूकता अभियान शुरू हो गए। लोगों ने फैसले के महत्व और सामाजिक न्याय पर इसके प्रभाव को समझना शुरू कर दिया। वाद विवाद भड़क उठे, चर्चाएं हुई और सार्वजनिक क्षेत्र विचारों से भरा हुआ था। यह मामला संक्षेप में परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक था। इसने सामाजिक न्याय और समानता पर संवाद को प्रोत्साहित करते हुए एक अधिक समावेशी समाज का मार्ग प्रशस्त किया। इंदिरा साहनी मामले ने भारत की आरक्षण नीतियों और सामाजिक समानता पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है, सामाजिक न्याय के पक्ष में जनमत और सक्रियता को प्रभावित किया है। मेरे मित्रों, यह इंदिरा साहनी मामले की विरासत है। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। इस तरह के जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन दबाना न भूलें।